वेलकम बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ का एक डेलीगेशन जो है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से मिलने गया था। वहां पर क्या क्या हुआ पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष से मिले बेरोजगार संघ का पूरा डेलीगेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर जो इस वक्त निकल के सामने आ रही है कि बेरोजगार संघ का जो पूरा डेलीगेशन है आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से जो है मुलाकात करने उनके यमुना बिहार आवास पर गया। इस दौरान बेरोजगार संघ ने विधानसभा अध्यक्ष से आगामी सत्र में भर्ती घोटाले और परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर उठाने वाले मुद्दों को सदन में अतिरिक्त समय देने की मांग की है। बेरोजगार संघ ने विधानसभा अध्यक्ष को यह भी सूचित किया है कि सभी 70 विधायकों को उत्तराखंड के बेरोजगारों के मुद्दे भर्ती घोटाले को लेकर सदन में चर्चा करने को पत्र प्रेषित किया जा रहे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो है बॉबी पवार और उनका पूरा जो है डेलीगेशन यहाँ पर गया था। आपको मालूम हो कि गैरसैंण में होने जा रहे सत्र में बेरोजगारों के मुद्दे को जो है अतिरिक्त समय यहाँ पर देने की मांग की है। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि विधानसभा जैसे पवित्र मंदिर में भी सीधी भर्ती के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित कर ही जो है वहां पर भर्तियां हों, और इसका आश्वासन जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है रितु खंडूड़ी ने दिया है। बाकी इस मुलाकात पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताया जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।